नमस्ते। तो राइडर साहब, आज स्टेलियन देवरूप को आज राइडिंग करा रहे हो आप? जी सर। तो राइडिंग के लिए सर क्या क्या अपन को करना रहता है और क्या क्या चीज़ें जरूर ध्यान में रखने की होती है? राइडिंग में सबसे पहले तो आपको राइडिंग आनी चाहिए। नए घोड़े को आप ट्रेन कर रहे हो तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपको घोड़े के बारे में जानना जरूरी है। उसको पहले वॉक कराओ, घोड़ा क्या हरकत करता है। उसके बाद आप धीरे धीरे लेंचिंग दे सकते हो। लेंचिंग देने के बाद आपको लगे घोड़ा आपका कूल है तो आप उसके ऊपर सैडल लगाओ। उसके बाद आप जैसे जैसे स्टेप बाई चलना पड़ता है। तो आज इसको कितनी राइडिंग दोगे? आज हम इसको नॉर्मल वॉक ट्रॉट कैंटर देंगे, जो अपन एक्सरसाइज मतलब नॉर्मल घोड़ा फिट रखने के लिए काम देते हैं, जो रेगुलर वही देंगे। एक नॉर्मल स्टेलियन को फिट रखने के लिए कितना चलाना चाहिए दिन में? एक दिन में 40-45 मिनट। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को, या फिर टोटल 40 मिनट? टोटल सुबह शाम में एक बार काम दे दो, एक टाइम वॉक दे दो। अच्छा, और महीने में कितने दिन की, अगर जैसे 300 दिन कर सकते हैं या फिर कोई गैप देनी पड़ती है, कैसे क्या? कुछ नहीं, अगर आपका घोड़ा कूल है तो आप रेस्ट दे सकते हो। अगर आपका घोड़ा मस्ती ज़्यादा कर रहा है तो उसको काम देना ही ठीक रहता है। अच्छा, और सर ये राइडिंग के समय ये बीट कौन सी लगाते हैं आप? राइडिंग बीट हमें नॉर्मल बीट यूज करो आप। ऐसा कुछ नहीं है, घोड़ा कंट्रोल नहीं होता है, घोड़े को ट्रेन करना पड़ता है, एनर्जी कम करनी पड़ती है। बीट से इतना वो नहीं होता मैटर के आप ज़्यादा कांटे वाले लगाओ, घोड़े का मुंह छील दो, वो गलत होता। तो शैलू जी, आप कितने टाइम से कर रहे हैं राइडिंग? मेरे को 8-9 साल हो गए राइडिंग करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि घोड़े को काठी लगाने का सही तरीका क्या है? वो अभी हम करके दिखाएंगे, लगा के दिखाएंगे। ये होती है ब्राइडल। हाँ, और में ये रेन है, ये बिट है, और इसको नॉर्मली लगाते हैं। वैसे भी आपने वीडियो में बताया ही कैसे लगाना। उसके बाद आप घोड़े को साफ करो। साफ करना बहुत ज़रूरी है। जितना घोड़ा साफ रहेगा, साफ सुथरे, उतने राइडिंग करने का मन करेगा। गंदे घोड़े पे कभी नहीं बैठना चाहिए। अब हम इस पे काट लगाएंगे सैडल और गद्दे। इसको हम सैडल पैड बोल सकते हैं। सैडल पैड का ये होता है मिडल, ये चीज ये इसके मिडल में होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट बिना गद्दी के सैडल नहीं लगाते हैं? हाँ, नहीं लगा सकते, घोड़ा छिल जाता।
सैडल से ये सैडल पैड चार अंगुली आगे बाहर होना चाहिए ये, और यहाँ से हल्का उठा के इसको सेट करना होता है, फिर आप बेल्ट कर सकते हो। बेल्ट दोनों तरफ से देख लेंगे, ऊपर नीचे ना हो, कहीं फोल्ड हुए नहीं हो। बस देवरो इसको कितना टाइट करना रहता है? नॉर्मली टाइट करो वेट के हिसाब से, राइडर के वेट के हिसाब से। हाँ, एक बार नॉर्मली टाइट होता, फिर एक राउंड वॉक करवा के फिर जितना आराम से टाइट हो सकता उतना टाइट कर दो, जबरदस्ती फुल टाइट ना करें, ताकत लगा के अपने हिसाब से देखो भाई घोड़ा कितना बेल्ट टाइट होता है, उसी हिसाब से करें। अब थोड़ा राइडिंग के बारे में बताइए कि मतलब अब इसको क्या राइडिंग देंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज इसको देंगे आज? अभी क्या जैसे घोड़ा अपना रेडी हो गया, उसके बाद हम इसको सबसे पहले वॉक देना चाहिए। सबसे पहले वॉक दो राउंड तीन राउंड ग्राउंड जितना बड़ा उस हिसाब से आप वॉक दो, चार या पाँच मिनट। उसके बाद आप धीरे धीरे स्लो ट्रोट करो दोनों साइड से, ट्रोट में भी उसको लेफ्ट पे अप एंड डाउन करना होता है, राइट पे अप एंड डाउन करता है करना होता है। वो नए राइडर को ध्यान रखना होता है कि हमें राइडिंग किस पे कर रहा हूँ, अभी हम राइडिंग करके बताएंगे कि किस पे राइडिंग करना होता है। उसके बाद कैंटर चलता है, कैंटर में भी दोनों साइड से चलाना होता है, घोड़ा रॉन्ग लेग निकाल रहा है या सही लेग निकाल रहा है उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। घोड़ा एक ही पैर पर चलता है तो वो लंगड़ा हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, उसकी आदत एक ही पैर पर चलने की हो जाती है, तो उस हिसाब से पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम ग्राउंड में चलते हैं और माउंट होते हैं। माउंट होने से पहले राइडर को रेन अपने हाथ में टाइट पकड़ें, घोड़ा आगे पीछे ना हो। उसके बाद आप बस 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 गुड बॉय। लेफ्ट पैर रखें इसमें और यहाँ से सीट पकड़ के जंप। डायरेक्ट घोड़े पे बैठते ही इनको दौड़ा सकते हैं या फिर एक दो चक्कर तो एक बार स्लो करना पड़ता है? राइडिंग में चाले मेन तो चार प्रकार की होती है, वॉक ट्रॉट कैंट गैलप। ये सब स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, किसी भी घोड़े को डायरेक्ट स्टेबल से निकाल के कैंट नहीं दे सकते, नहीं ट्रोट रह सकते हैं। अगर कोई दे रहा तो वो गलत है। कुछ भी काम करते हैं तो वार्म अप होना जरूरी है, बहुत वार्म अप जरूरी है सबसे पहले। बस बस हॉल्ट हॉल्ट